नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको भगवान पर भरोसा ये कहानी लेकर आया हूं। अगर आपने कहानी पूरी देख ली तो कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक महिला एक धार्मिक स्थल पर रोज सेवा करती थी। अब एक दिन धार्मिक स्थल से हुक्म आया और महिला सेवा पर चली गई। थोड़ी देर बाद उस महिला को फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो भगवान से आज्ञा लेकर हॉस्पिटल पहुंची और उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को संभाल लो। महिला की पड़ोसन उसकी दोस्त थी, बोली तेरे भगवान जी कैसे हैं? तू दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है और तेरे साथ क्या किया, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। महिला बोली मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, इसमें जरूर कोई राज की बात होगी क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। मैं उन पर विश्वास करती हूँ, उन पर भरोसा करती हूँ, उन्होंने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा, ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। कुछ दिन बाद बच्चा ठीक हो गया, महिला फिर से सेवा में लग गई। कुछ दिन बाद उसे फिर पता चला कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अब उसकी पड़ोसन कहने लगी तू नहीं मानेगी, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया है, रोज रोज तेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जरूर तेरा भगवान तुझे परेशान कर रहा है। महिला बोली नहीं, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, मेरे भगवान जी को गलत मत कहो, तुम कितना भी मुझे कहो कि मैं डोलूंगी नहीं, मैं अपने भगवान पर भरोसा करती हूँ और करती रहूंगी। महिला भक्ति करती रही, भगवान के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे उसका बेटा ठीक हो गया। तीसरी बार जब एक्सीडेंट हुआ तो महिला गुस्से में आ गई। उसने कहा तू नहीं मानेगी, तुझे बार बार भगवान परेशान कर रहा है, चल इसकी कुंडली ला, मैं एक महाराज को दिखा कर आती हूँ। उस महिला ने विनम्र स्वभाव से कहा कि कुंडली आप ले जाओ, अपनी तसल्ली कर लो, लेकिन मेरा भरोसा अब भी मेरे भगवान पर है और मैं डिगूंगी नहीं, मेरे भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, मेरे भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, मेरे लिए अच्छा ही होगा। जब पड़ोसन कुंडली लेकर एक महाराज के पास गई तो वो महाराज कुंडली देखकर बोले कि ये बच्चा तो मर चुका है। जगह नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा सही सलामत है और बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, वो भी जिंदा है, बार बार उसे चोट लग जाती है। तब उस महाराज ने कहा कि इसकी मृत्यु कुंडली के हिसाब से कई वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, जरूर कोई शक्ति है जो उसे बार बार बचा लेती है। इतनी बात सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और दौड़ी दौड़ उसके चरणों में गिर गई और बोली बहन मुझे भी अपने भगवान के पास ले चलो। जब महिला ने सारी बात पूछी तो उस पड़ोसन ने उसे सारी बात बता दी और उस दिन से वो भी भगवान की शरण में लग गई और सेवा करने लगी। मेरे कहने का भाव यह है कि हमारा विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए, हर भक्ति हर पूजा उस ईश्वर तक पहुंचती है, जरूरत विश्वास की है भरोसे की है। अगर पूजा करो तो उसमें विश्वास और भरोसा जरूर रखो, भगवान हर पल हमारी रक्षा करते हैं ये सच है और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, लेकिन आत्मसमर्पण के साथ पूरे विश्वास के साथ उन पर भरोसा रखते हुए ये करके तो देखिए, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। भगवान आपको कभी भी टिकने नहीं देगा, कभी भी टूटने नहीं देगा, कभी भी परेशान नहीं होने देगा, आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेगा, बस विश्वास के साथ उससे जुड़ जाइए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।